उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी से देरी से आने की वजह पूछी थी तो वो भड़क गई, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और पत्नी ने पति के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। युवक ने कलेक्टरगंज थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ तहरीर दी। हमने तेजाब डाल दिया। क्या बात थी? हमें कुछ कहा नहीं थी, सोचा तुमसे तो मतलब नहीं है, हाथा पाई हुई और तेजाब डाल दी चेहरे में। पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एसिड फेंके जाने पर पति का पूरा चेहरा झुलस गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ कलेक्टरगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि आरोपी महिला ने पति पर नशा और मारपीट के आरोप लगाए हैं। उधर मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टरगंज थाना प्रभारी राम गौतम ने बताया कि कलेक्टरगंज में एक पति के द्वारा अपने पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसके द्वारा एक ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे फेंका गया और जिसके कारण वो जलने का भी आरोप उसमें लगाया गया है। इस संबंध में थाने पे 326A, 504 और 506 धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। आरोपित पत्नी को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई मेडिकल एवं अन्य जांचों के उपरांत जो है की जाएगी। आरोपी पत्नी पूनम को रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने डब्बू के मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करी तो पता चला कि वो नशा करता था, इसी वजह से परेशान होकर पत्नी ने ऐसा किया। पड़ताल करने पर पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि दोनों आए दिन मारपीट और झगड़ा करते रहते थे। पति की इन हरकतों की वजह से पत्नी भी अपनी मनमानी करती थी।